आपने जो बात कही यही नीलकंठ हो जाना है। हाँ, क्योंकि जो विष पी गए, जो संसार में आने के बाद में ताप को जो पी जाता है, विष को जो पी गया, वही तो जनमानस में कुछ अच्छा कर कर जाता है। आज आपको कोई गाली दे रहा है, वो अपशब्द कह रहा है, आप बहुत साधारण है। आपको अगर कोई अपशब्द कह रहा है, गाली दे रहा है, आप उसकी गाली को पीते चले गए। मेरे भगवान कृष्ण को स्वयं उनके बुआ के बेटे शिशुपाल ने 100 गालियां दी और मेरे ठाकुर जी बैठकर मुस्कुराते रहे, दाऊ जी की ओर देखते रहे। दाऊ दादा ने पूछ लिया, तुम मुस्कुरा रहे हो, गाली दे रहा है? भगवान कह रहे हैं कि इतनी सभा में इसने मुझे गाली दी, अर्थात इतनी सभा में मुझे टारगेट किया गया, तो लोगों की दृष्टि में कृष्ण दिख तो रहा है। तो अपशब्द जब किए जाते हैं, भगवान शंकर पर जब आक्षेप किया जाता है, तो शिव को लोग समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ऐसा है क्यों? और जो जान गया, तब उसके मन में आ गया कि शंकर भगवान ने दुनिया के ताप को हरने के लिए विष पिया और स्वयं के कंठ पर रखा, और वो कंठ पर रखने वाले केवल अकेले शिव नहीं थे, क्योंकि शंकर का जो शरीर है, शिव शक्ति का शरीर है, उसके अंदर स्वयं शक्ति ने आकर उस कंठ पर धरे हुए विष को झेल लिया और वो नीचे उतरने नहीं दिया। और यही जनमानस के अंदर होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कितना भी विष आ जाए, उसको अंदर मत उतार, उसको कंठ तक रखो। ना तो हमें किसी से अपशब्द कहना है और ना अपने भीतर बैर भाव रखना है। अगर आप अपने भीतर बैर भाव रखोगे ना, और या किसी को अपशब्द कह भी दोगे, तो आप श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। पर इसको ना तो हमें उगलना है ना हमें निगलना है, उसको अंदर रखिए ना हमें कभी प्रकट करना है। शिव जैसा नीलकंठ बनने का प्रयास करें।